तो दोस्तों रात का टाइम है, मैं और मेरा बड़ा भाई और यार जो से हमारे कसाई अंकल है ना इधर बाजार ही आए थे, मतलब कि अपनी कुर्बानी पसंद करने। तो माशाल्लाह से यार फाइनली ना आपके भाई को ना यार अपनी पसंद का जो सा प्यारा सा शिफू है ना ये चेक करे यार, हमने फाइनली बाय कर लिया यार। ये चेक करे माशाल्लाह से यार ये बहुत ही प्यारा अंकल, लोग कह रहे हैं हमने ना घर ही पाल लिया और ये वाला ना आपके भाई ने बाय कर लिया। आपको मैं सच सच बताऊं हमने यार ये 42,000 के अंदर ना ये खरीदा है, ये चेक कर लिया यार माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा। तो अभी जल्दी जल्दी ना हम जो सा यार शिपू है ना ये बाइक पर रखते हैं और अपने मिनी जूम में लेकर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो माशाल्लाह से यार अल्लाह ताला के फजल करम से ना आपका भाई यार अपने प्यारा से ना शिपू घर लेकर आ गया। तो यार ये हमने रात के वक्त परचेज किया, आपने अभी देखा हम ना अचानक गए थे मंडी, तो माशाल्लाह से यार हमारा रेट बन गया जिसकी वजह से यार पूरी मंडी का व्लॉग नहीं बना सका। तो फिलहाल यार प्यारा सा हम अपने सेटअप पर शिपू लेकर आ गए और भाई साहब ये ना बहुत ही प्यारा, कुछ भी नहीं कहता, ना फाइट करता है ना मारता है, बिल्कुल प्यारा। और सुनाओ ब्लैकी, तुम्हारा भी यार पार्टनर आ गया बस कुछ दिन के लिए, तुम तो हमारे पास परमानेंट हो ना? इस बेचारे ने यार हमारे पास कुछ ही दिन है, तकरीबन 4 से 5 दिन रहेगा, फिर इसने अल्लाह ताला की राह में ना कुर्बान हो जाना है और ये हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। फिर हम यार ईद के बाद अगर अल्लाह ताला ने चाहा कुछ और ना जानवर लेकर आएंगे, घर में पालेंगे शौकिया तौर पर, जिस तरह हमने ये वाला पाला है। अब देखिए यार इस बेचारे को भूख लगी हुई है, धूप भी आ रही है, इसको इधर से हटा कर ना उधर बांध रहे हैं। मुझे डर है यार ये ना हमारी ब्लैकी को तंग ना करे, क्योंकि यार ये मेल है, इसको मैंने चारा डाला दोस्तों, ये वाला ना ये खा ही नहीं रहा। मुझे तो यकीन जानी है यार बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और ये हमने 42,000 के अंदर परचेज किया है। और जल्दी जल्दी से ना हम अपनी ना मुर्गियाँ खोल लेते हैं। आ जाओ भाई यार ये चेक करें, सारी मुर्गियाँ भी खोल दी, उधर चेक करें। आजकल ना जो उनकी हमारी डक्स है ना वो भी बड़ी बड़ी छलांगे लगाती, पता ही नहीं इन लोगों को ज़्यादा ही कुछ पर लग गया है। चलो भाई यार आ जाओ, हमारी गुना फॉल भी यार बाहर आ रही है माशाल्लाह से। और दोस्तों मैंने ना अपने प्यारे से शिपू को पानी पिलाना शुरू कर दिया क्योंकि यार गर्मी ज़्यादा है ना, अंकल ने यार हमें बताया इसके ना बाल ना कुछ ज़्यादा हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितने पिछली बार वाले के थे। तो माशाल्लाह से यार देखे पानी की बाल्टी तकरीबन पूरी पी गया, अभी हम अपनी ब्लैकी को भी पिलाते हैं और इसको भी और अपने बाकी परिंदों को भी, इनका भी प्यास लगी हुई है, चेक करें पानी वाले प्याले के पास घूम रहे हैं। ये चेक करें इसने तो पी लिया जितना पीना था, अब बाकी ना हम अपनी मुर्गियों को डाल देते हैं। आ जाओ भैया तुम लोग भी पानी पी लो। और भाई लोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई साहब जोन से कबूतर अपनी फीमेल पे फिदा होते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और एक हमारा वो जालिम कबूतर है वो चेक कर ले, वो सामने बैठा हुआ है वो कॉर्नर वाला यार, वो चेक करे जिसका एक पर वाइट है और ब्लैक है, उसने भाई साहब दो दो नहीं तीन तीन फीमेल पर कब्जा किया हुआ है। हर किसी के साथ पैर लगाता है, हर किसी के साथ एक के साथ तोड़ता है दूसरे के साथ लगा लेता है। अब इसने वो देखे दो फीमेल के साथ पैर लगाया हुआ है, अब देखे वो दो फीमेल ना इस वाली साइड की जोन सी वो दोनों उसने अपने कब्जे में की हुई है और जोन सा मेल है खुद मस्ती में है। भाई साहब ये बेचारा अपनी एक लेकर संभालता है, इससे एक नहीं संभाली जाती और वो भाई साहब दो दो लेकर फिर रहे अपनी बीवियाँ, पता नहीं क्या वजह है यार, वो हर किसी से ना बस पेड़ लगाने की करते हैं और अंडे आते नहीं है, पेड़ लगा लेते लेकिन अंडे नहीं आते। और माशाल्लाह से यार ये चेक करें मैं अंदर जब पानी लगाता हूँ ना, यकीन जानिए बाहर से ना अंदर का टेम्परेचर बहुत अच्छा है। ये चेक कर ले आज माशाल्लाह से हमारी मुर्गियों के मुँह बंद है, जिन जिन के खुले हैं ना वो अभी अभी मैंने अंदर किए हैं, तो इंशाल्लाह कुछ ही देर में उनका भी ना टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। और यार ये चेक कर ले माशाल्लाह से यार ये वाली मुझे ना डायमंड गिफ्ट के अंदर मिली है, आपने कमेंट में लाजमी बताना है यार ये मेल है या फीमेल। मेरे लिहाज से यार ये मेल लग रहा है क्योंकि इसका ना आंख के साइड वाला रिंग ना काफ़ी मोटे वाला है, जिसकी यार साइड वाला रिंग ना काफ़ी मोटे वाला वो होता है मेल और जिसका ब्रीक है वो फीमेल, और इसकी टेल भी ना काफ़ी लंबी है, यानी कि ना ये काफ़ी अच्छा है। मेरा इरादा यार इसको मार्केट जाकर बेचाएं या फिर इसकी पार्टनर लेकर आ जाए, मेरे पास अभी तक पैसे नहीं है वरना मैं ले आता, और ये भी हमारे पास ना काफ़ी अर्से से ना अकेला फिर रहा है। मेरा इरादा यार ये दोनों बेच दें और कुछ ना कबूतर नए लेकर आए या कोई और ना डक बेबी अगर बाजार से हमें मिले ना डक बेबी तो वो भी हम ना लाजमी लेकर आएंगे। फिलहाल तो यार मेरा इरादा बन रहा है ना इन दोनों को ना बेच ही आऊँ, तो इंशाल्लाह किसी दिन हमारा चक्कर लगा तो हम ना लाजमी बेच करेंगे। मुझे तो यार ये बहुत प्यारी लगती है, तो इंशाल्लाह यार अगर मेरा बाजार चक्कर लगा ना तो इनका रेट शेड लगवाएंगे, अगर मुनासिब रहा तो हम इनको ना बेच देंगे। और जाते जाते यार मैं आपको अपना प्यारा सा शिपू दोबारा दिखा दूँ क्योंकि यार जो कुर्बानी का जानवर होता है ना कुछ दिन के लिए होता है, और ये भी ना हमारे सेटअप पर कुछ दिन के लिए रौनक वगैरह रहेगा, फिर इसने हमारे सेटअप से ना चले जाना है। देखे
हमारी ना ब्लैकी के पास जा रहा है, क्योंकि यार इधर ना आ रही है धूप, ये चेक कर इसकी कमर पर पड़ रही है। तो अभी ना मैं इसको, इरादा मेरा बन रहा है कि इसको ना मास्टर केज के अंदर बांध दे। गर्मी ज़्यादा है और इसके बाल ज़्यादा होने की वजह से ना इसको गर्मी भी ज़्यादा लगती है। इसकी नहाइयाँ भी करवाएंगे एक दो दिन के अंदर, जितने दिन है ना, या फिर आज ही कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिला ना तो लाजमी नहाएंगे। फाइनली यार आपके भाई ने ना जाते जाते यार अपने प्यारे से शिपू को ना मास्टर केज के अंदर बांध दिया। भाई धूप भी बहुत ज़्यादा है, ब्लैकी के साथ बांधना है ना, क्योंकि यार ये मैंने इसके साथ बांध के देखा हुआ है, ये ना उसको ना तंग बहुत ज़्यादा करता है। और यार एक और बात है कि इसको ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है इसके बाल ज़्यादा होने की वजह से। ये मैंने अंदर पानी लगाया, मैंने कहा इधर ठंडा रहेगा, पैरट्स के साथ भी मस्तियाँ करेगा, यानी कि ना इनके साथ ना घुल मिलकर रहेगा और इसको ना डर भी नहीं लगेगा। और इधर तो चेक करिए यार हमारा शिपू के आ गया, सारी मुर्गियां ना एक साइड पर लगी हैं, पता नहीं क्या नई चीज़ आ गई हमारे सेटअप पर। और यार तुम क्यों डर रहे हो, ये कुछ दिन का मेहमान है, आप लोग इस तरह ही डर रहे हो। यार ये देखिए हमारी सारी मुर्गियां ना एक साइड पर जमा हो गई है, अगर मैं करता तो बिल्कुल नहीं होना था। देखिए मुझसे ज़्यादा हमारे शिपू का डर रहा है, इसको उम्मीद है यार ये ना इसको बिल्कुल नहीं तंग करेगा और ना इधर से रस्सी छुड़ाकर भागेगा। तो अपनी वीडियो को करते रहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लिया को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल इसरार के जो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अभी के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।